हाँ जी, जैनब बीबी को आज थोड़ी सी पार्टी दे दी है मैंने, अफ्तार पार्टी। आज जैनब बीबी की तबीयत सेट नहीं थी, हल्का हल्का बुखार था, हरारत थी, आज रोज़ा भी लग रहा था अम्मा को। हाँ ना अम्मा, सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज 28वां रोज़ है माशाल्लाह से, और आज जैनब बीबी सुबह से ना तबीयत सेट नहीं है उनकी, तो रोज़े में ना थोड़ा बहुत उनको बुखार भी हो गया है, तो हल्का हल्की सी हरारत हो रही है, बुखार थी, और सुबह से ना थोड़ा बहुत उनकी तबीयत अजीब सी हो रही है। तो भाई आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आज उनके लिए खाने के लिए कुछ स्पेशल ले आऊँ, तो आज मैं उनको ऐसा करता हूँ कि सरप्राइज देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें लेकर आता हूँ, चुपचाप से उनको बताऊंगा भी नहीं और लेकर आया हूँगा भाई। तो अफ्तारी में आज आपको दिखाऊंगा भाई उनको क्या सरप्राइज दिया भाई मैंने, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो होगा मैं कर लूँगा भाई। तो अमान दुआ, तो खैर उनको भी बताऊँगा चुपचाप से, वो किसी को बताएंगे अम्मा को। तो अब आपसे अफ्तारी में मुलाकात करते हैं। हाँ जी गाइस, तो भैया अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और जैनब बीबी को आज मैंने दी है थोड़ी थोड़ी दावत। आज मेन्यू में बहुत कुछ लेकर आ गया भाई मैं उनके लिए माशाल्लाह से भाई। आज चिकन पेटीज हैं, बर्गर हैं भाई, और कचौरियाँ भी, रोल भी हैं। आ हा हा हा, दुआ आप ही लेकर आएंगे ये सारा सामान अभी पापा के साथ जाकर। और सबसे स्पेशल अमान की पसंद का चिकन पेटीज, नहीं फिर ओ बर्गर, बर्गर भी। ओ हो हो हो, मज़ा आ गया। जैनब बीबी आप खुश हो गई हैं जी? आज आपको रोज़ा लग रहा था, तबीयत भी सेट नहीं है आपकी? तो नहीं ज़रूरत। हाँ जी, जैनब बीबी को आज थोड़ी सी पार्टी दे दी है मैंने, अफ्तार पार्टी। आज जैनब बीबी की तबीयत सेट नहीं थी, हल्का हल्का बुखार था, हरारत थी, आज रोज़ा भी लग रहा था अम्मा को। हाँ ना अम्मा, अम्मा को रोज़ा लग रहा था, तो आज मैंने कहा यार थोड़ा बहुत मेन्यू बढ़ा लूँ मैं, तो आज जैनब बीबी को ये थोड़ी सी पार्टी दी है। जैनब बीबी सही लगी आपको? आमीन सुम आमीन। हाँ जी गाइस, तो भैया आप दुआ पी अभी चलेंगे हम? दुआ पी कह रही हैं भाई, हमें फिर दोबारा जाना है कहाँ? हमने फिर दोबारा जाना है बोतल लूटने के लिए, है ना? अफ्तारी के 5 मिनट पहले जाना है हमने, अफ्तारी के 5 मिनट पहले जाना है। और जैनब बीबी कह, दुआ पी कह रही हैं कि भाई फिर दोबारा कल की तरह ना बोतलें लेकर आनी है भाई। आज दुआ भी कह रही है फिर दोबारा हमने बोतलें लेकर आनी है, अफ्तारी में जाना है, और देखते हैं हम कि जैनब दुआ भी क्या कहती हैं भाई। आप दुआ भी चले भाई, हैं दुआ भी चले, अभी थोड़ी देर के बाद निकलना है ना, ये सारा अफ्तार यहीं छोड़ देते हैं, निकलते हैं। दुआ ना कल इतनी खुश भाई, बोतलें मिली हैं दुआ को कल पानी की, दुआ बड़ी खुश हो गई भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कह रही है पापा अभी 5 मिनट पहले निकल, 2-3 मिनट पहले निकलते हैं और बोतल लूट कर आते। वाह यार, दुआ नहीं कर यार, ऐसी बातें नहीं कर यार। चलिए गाइस, फिर इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद मुलाकात करते हैं जी। ईद पे प्लॉट बनाओ, मुंह साफ की तरह मुंह ही बड़ा, आप क्या कर सकते हैं ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज है ना बीबी ने भाई, जैनब बीबी ने पर्दे लगा कर भाई फूल भी लगा दिए। जैनब बीबी तुमने किया ये? भाई यार बता देती मुझे, मैं लगाते था यार। आज जैनब बीबी ने पर्दे लगा फूल भी लगा दिए भाई, तैयारियाँ जैनब बीबी पूरी मुकम्मल है, ये तो हमारा ढकावा है भाई, ईद में खुलेगा। हाँ जी गाइस, अफ्तारी हो गई माशाल्लाह से, और क्या नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह 28वां रोज़ा भी हो गया अफ्तार, और आज अदील साहब ने अफ्तारी कराई सबको, तो अदील साहब जज़ाकल्लाह। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग ना, बस जब से रमज़ान शुरू हुए थे हम लोग घर में ही अफ्तारी कर रहे थे, घर की अफ्तारी तो अदील ने कहा चलो इस दफ़ा बाहर से ले आते हैं और बाहर से खा लेते, बस थोड़े बहुत ही बनाए थे मैंने, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। है दुआ अमन, मज़ा आया? अभी तक अमान से रखी हुई है और अमान खा रहे हैं, अमान काफ़ी दिनों से पीछे पड़े हुए थे, आप बाहर की अफ्तारी कब खिलाएंगे कब खिलाएंगे? अफ्तारी तो हमने डोसा वोसा खा लिया था, तो आज माशाल्लाह से अफ्तारी अच्छी थी अदील, और काफ़ी अच्छा था। मेरी तबीयत भी जहाँ बुखार हल्का सा हो रहा है, और रोज़ा भी था, और रोज़ा भी बहुत लग रहा था, इसलिए डाउन डाउन हो रही थी। अफ्तारी के बाद कुछ नहीं बोला, बोल जी
माशाल्लाह से अफ्तारी दिन बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह बच्चों को अच्छी लगी। काफ़ी टाइम से हम लोग घर की माशाल्लाह अफ्तारी कर रहे थे और घर में ही पकौड़े वकोड़े जो भी समोसे जो भी था हम घर में बना रहे थे। इस दफ़ा अफ्तारी में भी हम लोग कहीं नहीं गए, घर में ही रहे, ना अफ्तारी गई, यानी कि हमें किसी ने दावत ही नहीं थी अफ्तारी की, किसी ने दावत ही नहीं थी। थोड़ी मसरूफ थे इस वजह से वहाँ पर मान के नाना की अफ्तारी होती है, मगर वो मसरूफ थे इसलिए नहीं पाई। चले कोई बात नहीं, मगर ये दिन ने इसलिए बच्चों को करने के लिए खुश करने के लिए तो आज हमने बाहर से लेकर आए थे अफ्तारी। अधिक साहब ने छोटी सी गली थी तो चले गैस। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयरिंग करें। और देखिए कल चांद होता है या परसों होता है पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं पता कब होगा इंशाल्लाह। जैसे होगा फिर हम आपको जानकारी भी दिखाएंगे। वैसे तो बोला हफ्ते का लग रहा है मुझे कि हफ्ते की तो जुम्मे की बात बात बहुत सारे लोग हैं, जुम्मे की हो जाएगी, जुम्मे की हो जाएगी। देखें फिर चांद रात ये लोग वैसे ही 11-12 बजे चांद निकाल देते हैं, तो पहले से कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है इनका मौलानाओं का। तो इंशाल्लाह अभी जैसे होगा तो आप लोग को हम बताएंगे और ईद के ब्लॉग पर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि इससे हमें भी अंदाज़ा हो कि आप लोग हमारी वीडियो कैसा पसंद करना चाहते हैं। चलिए गाइस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे और चलिए अल्लाह हाफिज़।